हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 9 नंबर वीडियो है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 8 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक इस सभी 8 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का अगर आप लोग चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चैप्टर वाइज तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो है मेरे द्वारा करवाया गया है। तो अगर आप लोग जो है देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में आपका 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो है 1 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, श्रावी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसी भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, जिसको हम लोग जो है पशु कोशिका भी बोलते हैं, कि किसके कारण जो है अंतर पाया जाता है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक में कोशिका भित्ति होता है और एक में कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जंतु कोशिका में प्रायः कौन सा अंगक जो है नहीं होता है। तो 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, लवक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है। तो 4 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, हल्का बड़ा कर देते ताकि आप लोग को पूरा फ्रेश दिख सके। चलिए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं, वो भी भारत के अंदर। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद किस राज्य में है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव्य शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर 6 का जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा, पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। कोशिका जो है उसकी क्रियात्मक गतिविधियाँ जो हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा, केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 8 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्य जो है, यहाँ पर आपको बोला गया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, हक्सेल का। किसका? हक्सले, हक्सले का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आकर्षक रंग जो होता है फूलों और बीजों का, वो किसके कारण होता है। तो 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण आपको विभिन्न रंग दिखता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट आपका बिल्कुल ही 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा।
यहाँ पर आपको बता दें कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है, हल्का आप एक करेक्शन कर लेंगे, पूछा बोला जा रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों को हरा रंग जो प्रदान करता है वो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्ण हरित भी बोलते हैं, तो क्लोरोफिल करता है। तो इनमें से कोई नहीं आप पर आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अगले यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा रहा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली कौन है, किसका? वो भी तो कोशिका का। तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम में आपको पता होना चाहिए कि एक तरह से आपको लाइसोसोम में जहरीली जो है आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ होते हैं, और लाइसोसोम जैसे फटता है तो समझ लीजिए कि कोशिका का क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आत्महत्या हो गया खुद से उसका। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा कि जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, न्यूक्लियस का खोज किसके द्वारा जो है किया गया था? तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राउन जो है वो बताए थे कि एटम में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते, डैट मीन्स नाभिक होते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब किसमें नहीं पाया जाता है? तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, जीवाणु में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके हल्का छोटा कर लेते ताकि पूरा दिख सके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट भोजन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? तो 16 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो भी आप अगर कैप्सूल देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कैप्सूल के ऊपर से जो होता है प्लास्टिक जैसा आपको दिखता होगा वो किसका बना होता है? तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। ये ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप पानी में डाल देंगे तो ये क्या हो जाती है? गल जाती है, ठीक है, इसीलिए ये आप खाते हैं तो उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये पानी में जाने के बाद क्या हो जाती है? गल जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, माल्टोज। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे आपके 19 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं, तत्काल ऊर्जा प्रदान कौन करती हैं? तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 220 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो 20 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन आपको प्रदान कर सकता है? तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, प्रोटीन आपको सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, और प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक दाल में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः जो है यहाँ पर आपको संग्रह होता है, पुनः संग्रह किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है पुनः संग्रह किसमें होता है? तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर अपने 23 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, एथलीट जो होते हैं उसको ऊर्जा की जरूरी होती है तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है? तो 23 का जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा,
वो बी होगा देखिए ग्लूकोज से। ग्लूकोज आप देखते होंगे जो भी खिलाड़ी होते हैं वो टाइम टू टाइम ग्लूकोज लेते रहते हैं, क्यों? ताकि उनको अधिक ऊर्जा क्या हो सके, मिल सके और जल्दी मिल सके, क्योंकि उनको ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऊतक का निर्माण किससे होता है। तो 24 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन से होगा जाएगा प्रोटीन से, किससे? प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या होता है। तो 25 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जाएगा प्रोटीन है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, वो प्रोटीन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।